अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसा में, बालाकोट से थोड़ा पहले जो है हसा का मकाम आता है और यहाँ पर जो है काफ़ी रश है। आज भी यहाँ पर जो है काफ़ी रश है, टूरिस्ट वगैरह काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और इस साइड पे जो है रोड जा रही है, साइड से आगे जो रोड है मैं आपको रोड पर भी दिखा देता हूँ कि रश जो है काफ़ी ज़्यादा है। और ऊपर जो है बालाकोट से आगे नारायण कहान वाली साइड पर तो काफ़ी और ज़्यादा रश होती है। यहाँ पर भी आप जो है देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साइड में रोड पर। यह है जी नारायण टनल, जो कि सुखी किनारी डैम वाली रोड है, जो नई रोड बनी है उस पर बनाई हुई है ये टनल। तकरीबन 400 से 500 मीटर लंबी ये टनल है और इस रोड का जो अफ्तिताह हुआ था वो 1 अगस्त को अफ्तिताह हो गया था। और अब जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक बहाल हो गई है और जो पुरानी जो टूटी फूटी रोड थी उससे अब जान छूट चुकी है और अब जो है गाड़ियाँ वगैरह नई रोड से जो है जा रही हैं। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर जो है ये रोड बनी है और फिर आगे जाकर उसी पुरानी वाली रोड में जो है मिल जाती है। यह है जी नारायण बाज़ार से थोड़ा पहले, सामने जो है नारायण बाज़ार नज़र भी आ रहा है। ये आप रश के कंडीशन वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ नारायण बाज़ार में। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है आगे बाज़ार तक, जो है उससे आगे तक लंबी लाइन लगी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ जा रही हैं। नीचे जो है रोड भी ख़राब है, इस वजह से भी ट्रैफिक जाम हो जाती है। और ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नारायण बाज़ार में काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई समंदर नहीं, ये नारायण की बहुत ही मशहूर झील सैफ़ल मलूक है। ये इसका कलर जो है आज बिल्कुल साफ़ है क्योंकि बारिश वगैरह नहीं हुई, इस वजह से नदी नालों का पानी मिलके जो है पानी गंदा नहीं हुआ, बिल्कुल साफ़ और ब्लू वाटर है। और यहाँ पर भी जो है रश काफ़ी ज़्यादा है, ये आप नीचे देख सकते हैं किनारों पर जो है काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट घूम रहे हैं इर्द गिर्द, इस झील के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये आप रश कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं। नारायण की नस्बत जो है यहाँ पर रश थोड़ा कम है क्योंकि ऑफ रोड करके आना पड़ता है, जिस वजह से काफ़ी जो है टूरिस्ट वो आगे बाबूसर टॉप वाली तरफ चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते। तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश है, ये आप सामने देख सकते हैं। यह है जी नारायण से बाबूसर टॉप वाली रोड, ये बिल्कुल कारपेट रोड है और यहाँ पर जो है रश वगैरह कम है। नारायण बाज़ार से आगे हो जाएं तो फिर थोड़ी रश जो है कम मिलती है क्योंकि रोड साफ़ है, तो जहाँ पर रोड ख़राब होती है तो वहाँ पर रश हो जाती है क्योंकि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जाती है और पीछे वाली गाड़ी को इतना टाइम नहीं मिलता। और जैसे ही किसी बाज़ार में दाखिल हो जाएं तो फिर रश ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इधर उधर गाड़ियां वगैरह निकल रही होती हैं, कुछ पार्क हो रही होती हैं होटल्स में, तो इस वजह से जो है रश बन जाती है। और यह है बटाकुंडी का बाज़ार। ये जो स्क्रीन पर आप खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं ये है लालाज़ार। वैसे तो मेरे ख़्याल से लालाज़ार जो है नारायण कहान का सबसे ख़ूबसूरत मकाम है। यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा रश नहीं होती क्योंकि 30 से 40 मिनट जो है ऑफ रोड करके आना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर रश वगैरह नहीं होती, बहुत ही पुरसकून इलाका है और है भी बहुत ख़ूबसूरत। जब भी आप नारायण कहान आएँ तो लालाज़ार को बिल्कुल भी मिस ना करें, यहाँ पर आपको आकर रश से दूर बिल्कुल एक बहुत ही पुरसकून माहौल मिलेगा। नारायण और बाबूसर वालों यार मत आना, बहुत रश है, जहरील हो जाओगे, अभी मान लो मेरी बात। चलें जी आज आपको ले चलते हैं बाबूसर टॉप, बहुत ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं और यकीन माने नारायण घूमने के लिए अगस्त का महीना सबसे बेस्ट है क्योंकि इस मंथ में बहुत ज़्यादा लश ग्रीनरी वगैरह होती है, हर चीज़ सही ग्रीन होती है और सबसे स्पेशल यहाँ पे बड़े स्पेशल किस्म के एक फूल निकले होते हैं जिन्हें देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। बाबूसर टॉप पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत अच्छा मौसम है, अगस्त में ही है कि बहुत अच्छा मौसम होता है, सर्दी भी होती है थोड़ी थोड़ी और आप अच्छे से घूम फिर सकते हैं, आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा रश नहीं होती किसी जगह पर भी।
तो एक नॉर्मल रूटीन का रश होता है जिसमें आप आके इंजॉय कर सकते हैं। लोग अभी आए हुए हैं, ज़िपलाइंस कर रहे हैं बॉबसर टॉप पे, गीतीदास मेडोज़ इंजॉय कर रहे हैं। तो इस मंथ में ग्रीनरी की वजह से फ़ोटो वीडियोज़ भी आपके बहुत अच्छे बनते हैं, आप ट्रैवल ईजीली कर सकते हैं। इंजॉय करने का महीना सिर्फ ये होता है मेरे ख्याल से। ये वो फूल हैं जिनको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और ये सिर्फ अगस्त के महीने में होते हैं, अगस्त के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। इनमें फ़ोटो वीडियोस बहुत अच्छी बनती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, शायद कैमराज में इतने अच्छे ना लग रहे हों जितनी ये रियल में खूबसूरत हैं। नदियाँ नाले, आजकल पानी बिल्कुल वाइट हुआ होता है, बिल्कुल पीने लायक हर पानी साफ़ सुथरा, क्योंकि बारिशें वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं और हर एक पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे और वापसी पर ये टिगर पीक आपको बड़ा मज़ा देगी। यह हैं जी बाबूसर टॉप के सीन्स, और यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा रश है, यह आप नीचे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ लोग ज़िप लाइन इंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। जैसा कि आपने नीचे देखा है, गीटी दास से ऊपर जो है रश शुरू हो गई थी, उससे पहले रश इतनी नहीं थी, कम थी, लेकिन गीटी दास से जो है लंबी लाइन लगी हुई थी, वहाँ से आगे बाबूसर टॉप तक जो है काफ़ी ज़्यादा रश थी। और यहाँ टॉप पर पहुँच कर भी पता चलता है कि रश जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं नारान से भी आते हैं, बालाकोट से भी आते हैं और चिलास वाली साइड से भी आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। वीडियो जो है काफ़ी लंबी होगी, इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।